नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की ये वीडियो जितने लोग AIIB 18 का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए इतनी महत्वपूर्ण वीडियो है। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को 20 नंबर देगी और ये बिल्कुल सत्य है दोस्तों, क्योंकि मैं जो कुछ भी बताता हूँ एकदम 100% सच बताता हूँ, इधर उधर की बातें मुझे नहीं आती है। आप लोग अगर ये वीडियो देख लेंगे दोस्तों तो आप ये समझ लीजिए कि आप तो जो करना होगा वो करेंगे ही, पर 20 नंबर आपको बिना कुछ किए मिलेंगे, ये एक गिफ्ट मान लीजिए। जो लोग ये वीडियो देख लेंगे उनको कोई नहीं फेल करेगा, वो फेल हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं ये वीडियो इतना एक्सपीरियंस से बनाया हूँ और ऐसे मैथड इसमें लगाया हूँ कि अगर आप लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो आप लोग यकीन मानिए कि 100 में 100% आप पास ही हो जाएंगे और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास होंगे। जो दूसरी बार एग्जाम दे रहे हैं वो भी पास हो जाएंगे। बस आप लोगों को करना क्या है, जो मैं वीडियो में बताया हूँ, बस आप लोग एग्जाम हॉल में उतना कार्य जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, इधर उधर करके मत देखिएगा, क्योंकि जो ये वीडियो है जैसे जैसे ये आगे बढ़ती जाएगी दोस्तों इसकी इम्पोर्टेंस उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। ये वीडियो इतनी महत्वपूर्ण है AIIB वालों के लिए कि एग्जाम का पूरा निचोड़ इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा। पास होने के लिए 20 नंबर आपको कैसे मिलेंगे, जो आप करेंगे वो तो करेंगे ही दोस्तों, पर 20 नंबर आपको ये वीडियो देगी। उससे पहले दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूं। और दोस्तों आप लोगों को लीगल एडवाइस की किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए मेरे वीडियो पे कमेंट करिएगा, अगर छोटा मैटर है तो उसको मैं वीडियो में ही आप लोगों को कमेंट में ही सॉल्व कर दूंगा, और दोस्तों अगर बड़ा मैटर है तो आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो का पैकेज बना करके दूंगा ताकि आप लोगों की पूरी दिक्कत दूर हो सके। तो दोस्तों चलिए मैं पहले आप लोगों को बताता हूं, इसमें 3 स्टेप में बताऊंगा, आप बारीकी से समझिएगा, क्योंकि प्रथम स्टेप तो थोड़ा है, सेकंड वाला उससे महत्वपूर्ण है और थर्ड वाला उससे भी महत्वपूर्ण है, और ये तीनों स्टेप आपको फॉलो करना है। अगर ये 3 स्टेप आप फॉलो कर लेंगे तो दोस्तों आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे पहली ही बार में। अगर दूसरी बार दे रहे हैं तो इसी बार आप क्वालिफाई कर जाएंगे, फेल हो ही नहीं सकते हैं, बस आपको नियम फॉलो करना है। तो सबसे पहले दोस्तों चलते हैं नंबर 1 स्टेप पे। दोस्तों जब आप एग्जाम हॉल पे जाएंगे आपको जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आप क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे, उसमें जो ऑप्शन आते हैं क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के बाद 4 ऑप्शन आएंगे, 4 ऑप्शन में 1 सही होता है। चारों ऑप्शन ऐसे होते हैं कि ऐसा आपको लगेगा कि चारों सही है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको ऐसा लगेगा कि चारों सही है, अगर आ रहा है तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों पहले तो आप ये देखिएगा कि उसमें 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि उसमें ऑप्शन लिखे होते हैं और 4 ऑप्शन में उसमें लिखा होता है इनमें से कोई नहीं, दिया में ऊपर युक्त में से सभी, ऐसे करके 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आ रहा है तो ये मान के चलिए कि उसमें से 5 क्वेश्चन में यही होता है कि ऊपर युक्त में से सभी, इनमें से कोई नहीं, तो आपको डी वाले में गोला मार देना है मार सीट में। गौर करिएगा दोस्तों, ये प्रथम स्टेप है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जब आपको क्वेश्चन पेपर आएगा तो आपको उसमें जितने क्वेश्चन ऐसे आए कि इसमें से कोई नहीं, इनमें से ऊपर युक्त में से सभी, अगर ऐसा क्वेश्चन आप में आ रहा है, 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं IIB के एग्जाम में दोस्तों, तो उसमें आपको इनमें से कोई नहीं या तो ऊपर उक्त में से सभी, उसमें गोला बनाना है। सेकंड ऑप्शन दोस्तों आप लोग जाएंगे एग्जाम हॉल में, जैसे एग्जाम हॉल में जाते हैं आप अपना पेपर करिए, पेपर पाते ही अपना करते रहिए जितने आप लोग कर सके हों, मतलब मैं ये मान के चलता हूँ कि चलिए जैसे मैंने आपको कहा कि 20 नंबर मिलेंगे, तो अभी मैंने प्रथम स्टेप में आपको बताया आपको उसमें 5 नंबर मिल जाएंगे, 7 से 8 आते हैं उसमें से 5 आपको कंफर्म हो गए दोस्तों ये। अब उसके बाद आप अगर 40 नंबर कर लिए हैं,
40 नंबर का अपने से किए हैं, अपने अनुभव से किए हैं, उसमें से कुछ गलत किए हैं, कुछ सही किए हैं, तो चलिए मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर आप 40 किए हैं तो आपका 25 से 30 नंबर सही किए होंगे, 10 आपके गलत हो जाएंगे। अब आप घबराइए मत, अब आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, बिना पढ़े हुए अब आपको नंबर मैं दे रहा हूँ, आप इस नियम को फॉलो करिएगा। तो जैसे दोस्तों आप लोग 40 नंबर का कर लिए हैं, अब उसके बाद आपको बचते कि यहाँ कितना है, 60 क्वेश्चन, क्योंकि 100 क्वेश्चन आते हैं, 60 क्वेश्चन आपको करने हैं और उसमें आपको कुछ भी नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, उसमें से जितने क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं एक ही ऑप्शन पे आपको बबल बनाना है, कोई भी एक ऑप्शन ले लीजिएगा ए बी सी डी में से, सब में एक ही ऑप्शन पे टिक मारना दोस्तों, किसी में ए किसी में बी किसी में सी किसी में डी नहीं करना है, नहीं तो फिर बिल्कुल आप फेल हो जाएंगे। जितने क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उसमें दोस्तों सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन पे टिक लगाना है, बबल बनाना है, मात्र एक ही ऑप्शन पे, चाहे ए में या बी में या सी में या डी में, कोई भी एक आप ले लीजिए। तो जैसे दोस्तों 60 क्वेश्चन आपको नहीं आए हैं, 60 में अगर आप ए में मार देंगे तो आप ये मान के चलिए कि जैसे ए बी सी डी चार ऑप्शन आते हैं तो उसमें 25-25 नंबर सही होते हैं, 25 ए 25 बी 25 सी 25 डी, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है हल्का फुल्का, बाकी 25-25 का परसेंटेज लेके चलते हैं। तो आप जैसे 60 क्वेश्चन में कर दिए हैं दोस्तों, तो 60 क्वेश्चन में आप जब एक ही ऑप्शन पे मारेंगे तो 15 नंबर आपके सेफ हो गए, 15 नंबर सेफ हो गए। आप जो पढ़े हैं वो तो ठीक है, बिना पढ़े वाला बता रहा हूं मैं आप लोगों को, 15 नंबर सेफ हो गए और 5 नंबर उधर से सेफ हो गए, टोटल कितना हुआ 20 नंबर, 20 इधर हो गया और 30 आपका किया हुआ हो गया, कितना हो गया टोटल 50, मतलब 50 नंबर। जनरल के लिए पासिंग मार्क कितना है 45%, ओबीसी के आरक्षित वालों के लिए कितना है 40%। तो दोस्तों आपके 50 हो गए नंबर, मतलब कि आप पास हो गए पहली ही बार में, ये सेकेंड स्टेप पूरा होगा। अब आते हैं दोस्तों थर्ड स्टेप की तरफ, बहुत से लोगों के कमेंट आए हैं कि सर जी ये बताइए कि जो हम बेयर एक्ट लेके जा रहे हैं, ये बेयर एक्ट कौन से लेके जाए, नोट्स वाली लेके जाए कि विदाउट नोट्स वाली लेके जाए। तो दोस्तों आप लोग बेयर एक्ट लिए हुए हैं जो वो लेके जाइए, नोट्स वाली अगर मिली है तो अब उसे आप क्या करेंगे, चेंज तो करेंगे नहीं, बाकी विदाउट नोट अलाउ होती है, पर ये कोई वहाँ पे इतना छानबीन नहीं करता है, आपके पास अगर विथ नोट्स वाली हैं तो भी आप लेके जाएंगे, वहाँ पे अगर कोई दिक्कत होती है तो उसे बताइएगा कि नहीं मिल पाई है, नहीं छपाई हो पाई है। अगर कोई कोई पूछे कि लाइनिंग मारी हुई है बेयर एक्ट पे, तो लाइनिंग वाइनिंग कोई आपको खोल खोल के आकर के चेक नहीं करेगा दोस्तों, वहाँ कोई चेकअप नहीं करते हैं, आप बेयर एक्ट ही लेके जाइएगा बस, कोई भी बेयर एक्ट हो पहले तो आप विदाउट नोट ही लेके जाइएगा, अगर नहीं है तो जो आपके पास है वो लेके जाइए, क्योंकि अगर नहीं मिला है तो क्या करेंगे, खाली हाथ जाएंगे, जो होगा वहाँ देखा जाएगा। बाकी दोस्तों आप बेयर एक्ट लेकर के जाएं, वहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है किसी भी प्रकार की, आप उसमें से देख करके लिखिएगा, जितना आपसे आ सके उतना करिएगा, जो नहीं आ रहा है दोस्तों उसे आप एक ही ऑप्शन जो मैं भी बताया दोनों, उस नियम को आप दोस्तों फॉलो जरूर करिएगा। अगर आप इतना कार्य करके आएंगे दोस्तों तो आप पास हो जाएंगे, आपको कोई फेल नहीं कर सकता है। और दोस्तों अगर आप ये टिप फॉलो करने के बाद पास हो जाएंगे तो मेरे वीडियो पे दोबारा जब एग्जाम में पास करने के बाद इतना ध्यान करिएगा कि आ करके जरूर बताइएगा कि सर जी हाँ हम आपके नियम को फॉलो किए और पास हो गए। क्योंकि मैं मेरा इस सवाल के जवाब में बहुत से लोग ये कार्य को किए हैं और वो फेल नहीं हुए हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ ये मेरा एक्सपीरियंस है दोस्तों कि आप फेल नहीं होंगे अगर इतना कार्य आप लोग कर लेते हैं तो। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लग जाए तो कमेंट करिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। धन्यवाद।